तो दोस्तों, इतने दिनों से जो आर्ट चल रहा था विंडब्रेकर के अंदर, मतलब सिस्टोरियन वर्सेस बोफोरियन क्लैन का जो फाइट चल रहा था, वो फाइनली एंड हो चुका है आज के एपिसोड से। और उसी एपिसोड के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। तो दोस्तों, ये जो एपिसोड था विंडब्रेकर एपिसोड 9, इस एपिसोड के अंदर हम लोगों को फाइनली उमेमिया वर्सेज जो चोजी का फाइट है वो देखने को मिल गया। लेकिन मैंने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पे उमेमिया चोजी को बहुत धोएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये जो एपिसोड है ये फाइटिंग्स के ऊपर उतना प्रोसीड नहीं करता, ये सिर्फ देखता है इसके ड्रामा पोर्शन के ऊपर। तो यहाँ पे उमेमिया जो है उसने ये बता दिया सबको कि वो एक लीडर मटेरियल क्यों है। तो उमेमिया को यहाँ पे पहले दिखा कि चोजी ऐसा बन कैसे चुका है, मतलब चोजी पहले एकदम डिफरेंट बंदा था, वो लड़ना पसंद करता था, वो दोस्तों के साथ रहना पसंद करता था, वो हंसना पसंद करता था, और उसके लिए जो फन एलिमेंट था वो था लड़ना और दोस्तों के साथ बातें करना। लेकिन अभी जो सिस्टोरियन का मेंबर, मतलब जो लीडर है चोजी, वो एकदम चेंज हो चुका है, और इसी को लेकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे उसका क्या होगा। लेकिन फाइनली इस एपिसोड के अंदर हम लोगों को उसके अंदर जो चेंज है वो देखने को मिल गया, और उमेमिया ने वही किया जो उसको एज अ लीडर करना चाहिए। आप लोग जरूर नोटिस कीजिएगा कि उमेमिया ने इस एपिसोड के अंदर बहुत ही कम मारा, लेकिन मार खाया ज्यादा। लेकिन मार खाते खाते उसने ये भी बोला कि तुम्हारे पंचेस मेरे को लग नहीं रहे, क्योंकि तुम जो पंचेस मार रहे हो वो तुम्हारा अदर सेल मार रहा है, तुम नहीं मार रहे हो। और यहाँ पे चोजी के ऊपर वही हिट हुआ जो उमेमिया उसको कहना चाहता था कि तुम जो एक लीडर हो, लीडर का काम ये होता है कि तुमको सबको साथ में मिलकर चलना चाहिए, तुमको किसी को ये नहीं फील करवाना चाहिए कि तुम वीक हो, और तुम अगर स्ट्रांग नहीं हो सकते तो तुम यहाँ पे नहीं आ सकते। और चोजी को यही समझ में नहीं आ रहा था कि मेन जो फन है वो क्या है। वो सोच रहा था कि मैं अकेले जाऊंगा, मैं अकेले लड़ूंगा, मैं अकेला स्ट्रांग हूं, मैं अकेला बहुत कुछ कर सकता हूं, मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है, वही फन है। मेरे सामने सारे स्ट्रांग बंदे होंगे और मैं उन लोगों को लीड करूंगा, वही फन है। लेकिन वो ये नहीं समझ रहा था कि जिन लोगों ने उसको उठाया है वो उनके दोस्त हैं। और वही उमेमिया ने यहाँ पे चोजी को समझाया, और ये वाला एपिसोड का जो फोकस है ये वही है। और इस एपिसोड के अंदर हम लोगों को चोजी का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिला वो पहले बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था, अभी बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुका है। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि चोजी का जो आँख था वो पहले थोड़ा गोल गोल टाइप का था, मतलब हिप्नोटिक टाइप का था, लेकिन अभी उसका जो आँख है वो एकदम खुल चुका है और वो बन चुका है जो पहले वाला चोजी था। और दोस्तों, जो तोगा में करना चाहता था वो कर दिया उमेमिया ने, और चोजी ने यहाँ पे सरेंडर कर दिया उमेमिया के सामने। मतलब जो विनर है वो है उमेमिया। और उसके बाद चोजी उसको ऑफर करता है कि तुम तो अभी जीत गए हो, तुम सिस्टोरियन को अपने अंडर ले लो। लेकिन यहाँ पे उमेमिया बोलता है अपने बहुत ही फनी अंदाज में, मेरे को नहीं लेना, ये मैंने नहीं बोला था, ये तुमने बोला था कि अगर तुम जीत जाए तो मेरे को मोहरिन दे देना, ये उसने बोला था, ये उमेमिया ने नहीं बोला। तो यहाँ पे उमेमिया ने एक बहुत ही फनी उमे बोल दिया ऐसे, और ऐसे ही एपिसोड खत्म हो गया। जैसा कि मैंने इस एपिसोड से एक्सपेक्ट किया था कि इस एपिसोड के अंदर हम लोगों को फाइट्स देखने को मिलेंगे, हैंड टू हैंड कॉम्बैट देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि इस एपिसोड का जो ड्रामा था, जो इमोशनल पोर्शन था तोगा में और चोजी के बीच में, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। लेकिन बीच में एक जगह जब ऐसे चोजी यहाँ पे हाथ दे रहा था ना तोगा में, मेरे को थोड़ा वैसा टाइप लगा। आप लोगों को लगा क्या? थोड़ा वैसे टाइप का जा रहा है? अगर लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो अब समझ चुके हो ना, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, ओवरऑल जो ये आर्क था, मतलब ये आर्क नहीं था, इस आर्क का नाम होना चाहिए बोफोरिन ने सिस्टोरियन को पेला। लिटरली इस पूरे आर्क के अंदर सिस्टोरियन वालों ने कुछ भी नहीं किया, मतलब बोफोरिन से वो लोग पिटे हैं सिर्फ। सिर्फ लास्ट एपिसोड, मतलब जो आज का एपिसोड था, वहाँ पे उमेमिया को थोड़ा सा पेला है। लेकिन मेरे को नहीं लगता था अगर उमेमिया यहाँ पे सीरियसली फाइट करता तो चोजी उसके सामने टिक पाता। लिटरली उमेमिया बहुत ज़्यादा पावरफुल है यार। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। विंडब्रेकर का जो ये आर्क था बहुत ही अच्छा लगा, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को यह कैसा लगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे एनिमे कॉन्टेंट ला सकूँ। दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए एनिमे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।